हाय फ्रेंड्स, आई एम भाग्यश्री एंड वेलकम टू कुक विद शगुन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पारसी मावा केक, जो केक मावा यानी कि खोया से बनता है और ये एकदम फ्लफी बनता है और एकदम लाइट एंड मॉइस्ट केक है। आप इसे आपके बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हो, आप चाय के साथ भी इसे ले सकते हो। ये ईरानी और जो पारसी बेकरियाँ होती है उसमें इजीली ये अवेलेबल होता है और ये खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, एक बार बनाओगे तो आपका मन करेगा कि हर रोज़ हम इसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसके ऊपर क्लिक करिए, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपके फैमिली और फ्रेंड ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करना। सबसे पहले यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसके अंदर एक कप दूध डाला है, 3/4 कप यहाँ पे पीसी हुई चीनी डाली है, 1/4 कप यहाँ पे तेल डाला है। ये तेल तो सरसों का नहीं है, ये बिना स्मेल वाला तेल है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए जब तक इसमें चीनी पिघल ना जाए। चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए दूध में, तब उसके बाद मावा डालेंगे। यहाँ पे 1/2 कप मैंने मावा लिया है, आप फ्रेश मावा का ही यूज़ करिएगा। तो मावे को हम हाथ की मदद से तोड़ के दूध में डालेंगे। तो मावा डालने के बाद बाउल के ऊपर मैंने छन्नी रखी है और उसमें 1 कप मैदा लिया है। आप जब भी केक बनाओ तो जो भी सामग्री होती है उसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और 2 चुटकी मैंने यहाँ पे सॉल्ट नमक डाला है और 1/4 छोटी चम्मच जो है बेकिंग सोडा डाला है। इन सब को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो सारी चीज़ों को छानने के बाद उसके अंदर मैंने 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, जो ग्रीन इलायची आती है उसका पाउडर डाला है, और ये पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है इस पारसी मावा केक में। वैसे तो हर एक इंडियन स्वीट्स में होता ही है इलायची पाउडर, तो आप ज़रूर इसे डालिए। और जो मावा और जो मैदा है उन सब को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। जो मावा के जो क्रम्स है उन सब को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे, तो हमारा एक जो बैटर है केक का रेडी हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद यहाँ पे मैंने व्हाइट विनेगर लिया है 1/2 छोटी चम्मच, क्योंकि हम ये केक जो है वो अंडे से नहीं बना रहे, इसीलिए इसमें हम विनेगर डाल रहे हैं। विनेगर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो बस हमें जो ये केक बैटर है वो अच्छी तरह से जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला है वो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है, उसको तेल की मदद से ग्रीस कर रही हूँ चारों ओर, और उसके बाद मैदा या आटे से आप इसको इस तरह से डस्ट कर लीजिए और उसके बाद जो बैटर था इसमें डाल दीजिए। बैटर डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको 5-6 बार यानी जब तक इसमें एयर बबल्स हो तब तक आपको इसे टैप करना है। और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने बादाम डाले हैं, आप पिस्ता भी डाल सकते हो, इससे केक अच्छा लगता है और हर एक मावा केक में आलमंड होता ही है। तो बस अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए हम ओवन का यूज़ नहीं कर रहे, तो इसीलिए मैंने एक कढ़ाई ली थी और उसके अंदर नमक डाल के इस तरह से स्टैंड रखने के बाद इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था। तो ये प्रीहीटेड कढ़ाई है, उसके अंदर मैंने केक टिन रख दिया है और हम यहाँ पर सबसे पहले इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम 50 से 45 या 60 मिनट तक इसको, जब तक आपका केक ना पके तब तक इसको हम पूरे लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा केक यहाँ पे पक चुका है और जो टूथ पिक है वो भी एकदम क्लियर आ रहा है। तो बस हम इस केक टिन को कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे केक भी ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। तो चाकू की मदद से मैं किनारे इसके छुड़ा रही हूँ और उसके बाद हम इसको प्लेट में पलट देंगे। आप इस टिन को पीछे से इस तरह से टैप करोगे तो जो नीचे से भी केक इजीली निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा केक एकदम बहुत ही अच्छा पक चुका है और ये बहुत ही फ्लफी केक बना था और एकदम लाइट एंड मॉइस्ट होता है। आप जब खाओगे तो आपको एक मावा, इलायची पाउडर इन सब का बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा,
आपको ये केक बहुत बहुत पसंद आएगा, ज़रूर एक बार इसे ट्राई करना। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना। तो बहुत सारे केक के वीडियो मेरे चैनल पे है कुक विद शगुन पे, तो आप जाके आप देख सकते हो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब।